परंतु जब उसके अंदर कुटिलता पाई गई तो वो भोर के तारे का जो उपाधि थी वो उससे छीन ली गई। परंतु आज हमारे हृदय में भोर का तारा अर्थात यीशु मसीह चमकता नहीं है, इसलिए वो संदेश जो होता है वो लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको देते हैं। पिछले संदेश में हमने सीखा था तीन ज्योतिषी जो थे, तीन विद्वान या शास्त्री कहां से और कैसे आए थे और कैसे यीशु मसीह के पास आए और क्या क्या भेंटें उन्होंने दी। परंतु वो जिस तारे का पीछा करके आए थे, आज उस तारे के बारे में बात करेंगे कि आखिर वो तारा क्या है। आपने देखा होगा क्रिसमस के समय पे बहुत से लोग जो हैं अपने घरों में, चर्च में, छत के ऊपर और वरांडे में तारे लगाते हैं, उसके अंदर लाइट लगाते हैं और वो शाइनिंग मारता है, तारे से चर्च भरा होता है, छत पे बड़ा सा स्टार लगा होता है, वरांडे में होता है, घर में होता है, चरनी सजाते हैं उसके ऊपर एक तारा लगा होता है और उस पे जो है बहुत सा। मगर क्या पता है ये तारे का मतलब क्या है कि भाई वो तारा आया, वो ठहर गया, छत पे लगा हुआ। हाँ साहब, यीशु मसीह जो है वो यहाँ पैदा हुआ है। अब चर्च के अंदर जो है तारे लगे हुए, हाँ भाई यीशु मसीह जो है यहाँ पर पैदा हुआ। तारे का मतलब क्या कि ये तारा जो था तीन ज्योतिषियों को, तीन जो विद्वान थे, तीन जो राजा पूरब देश से आए थे, उनको दिशा दिखाते हुए वहां पर ठहर गया था जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ था। आज हम अपने घरों में या चर्चों में या कहीं पर भी तारा लगाते हैं तो क्या ये समझ ले कि यीशु मसीह का जन्म यहां पर हुआ है? बहुत गहरी बात है, जरा इसको समझिएगा कि यीशु मसीह तारा लगाने का मतलब क्या। ये फॉर्मुलिटी नहीं होनी चाहिए, उसके भेद क्या हैं, इस चीज को जो है जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर मैं पढ़ाना चाहूंगा आपके लिए मत्ती 2 अध्याय और उसका 2 पद। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है, पहला सवाल। दूसरा, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। अब यहां ये जो तीन विद्वान हैं, जो राजा जब हेरोदेश के पास पहुंचे, क्योंकि देखिए यरूशलम के पास जाकर क्या हुआ, वो तारा लोप हो गया। क्यों लोप हो गया इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, मगर पहले हम यहां देखते हैं यहां क्या है। ये तीन ज्योतिषियों का जो परिचय जो है हम पिछले संदेश में दे चुके हैं और हमने ये भी बताया था यशाया 60 अध्याय उसके 6 पद में यशाया ने जो है वो भविष्यवाणी की है तीन ज्योतिषियों के बारे में जो है। अब यहां पर जो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं एक बार फिर से इस पद को पढ़ना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि मत्ती 2 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, क्योंकि हमने पूरब में उसका शब्द क्या आया है, उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। अब यहां पर क्या है, यहां पर जो है वो हेरोदेश के सामने कह रहे हैं कि हमने उसका तारा देखा। उसका मतलब जो पैदा हुआ है, यानी यीशु मसीह, यानी यीशु मसीह का तारा देखा है उन्होंने। अब ये तारा है क्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे, मगर यहां है हेरोदेश राजा जो था वो संपूर्ण जानकारी चाहता था। अब जब हेरोदेश को पता चला तो हेरोदेश जो था वो बड़ा संपूर्ण जानकारी चाहता था कि आखिर तारा जो है वो ठीक किस समय दिखाई दिया और कहां पर रुका और कैसे क्या है, वो पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता था। क्यों क्यों जानकारी प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि उसके मन में कपट था। अब कपट क्या था, क्योंकि उन जो ज्योतिषी थे उन्होंने ये कह दिया था यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ, वो कहता है यार मेरे अलावा भी कोई राजा पैदा हो गया, मेरे अलावा कौन राजा पैदा हो गया। तब वो क्या कहता, मत्ती 2 अध्याय उसके 7 पद में, तब हेरोदेश ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया। ठीक है, तारा जो है ठीक किस समय दिखाई दिया, जरा हमें भी बताओ भाई तारा किस समय दिखाई दिया, ताकि मैं भी, आप उसको आगे पढ़ेंगे कि ताकि मैं भी जाकर उसको क्या करूं, प्रणाम कर सकूं। ये उसकी मंशा नहीं थी, उसकी मंशा थी कि उस बच्चे को मरवा डालने की, यानी यीशु मसीह को मरवा डालने की ये मंशा थी। उन्होंने कहा ठीक है, जब तुम्हें तारा दिखाई दे और जब तुम उस जगह पे पहुंच जाओ तो मुझे भी आकर बताना, ताकि मैं भी जाकर उनको प्रणाम कर सकूं। अब ये तारे का मकसद क्या था, जब देखिए तारा जो है, मैंने बताया ना अरब उनको अपने अपने देशों से
हिंदुस्तान से, मिस्र से और यूनान से उनको निकालकर अरब के रेगिस्तान तक लेकर आया, और अरब के रेगिस्तान से एक साथ इकट्ठा होकर जो है वो आगे यरूशलम को गए हैं, और यरूशलम में जाते तारा इतनी दूर से उन्हें लेकर आया और यरूशलम में जाते ही लोप हो गया। इसका कारण क्या है? ध्यान दीजिएगा कि उसका कारण क्या है, क्योंकि तारा पूरे यरूशलम को यह संदेश देना चाहता था कि तुम्हारे खास तौर से इसराइलियों को और यहूदियों को, जिस मसीहा का तुम इंतजार कर रहे हो, जिस मसीहा के आने की जो भविष्यवाणी व्यवस्था में दी गई है, वो मसीहा पैदा हो गया है, वो मसीहा आ चुका है, यानी जिस राजा का तुम इंतजार कर रहे हो वो पैदा हो चुका है, वो आ चुका। यह संदेश पूरे यरूशलम में फैल गया, और यह संदेश उन तक पहुंचाना था कि जिस मसीहा के इंतजार में तुम हो वो मसीहा पैदा हो चुका। मगर यहूदी तो यहूदी हैं, उन्होंने माने नहीं। मगर हम यहां पर यहूदियों की बात नहीं कर रहे हैं, यहां बात कर रहे हैं तारे की। अब यहां क्या लिखा है, मत्ती 2 अध्याय उसके 9 पद में क्या लिखा है, वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। देखिए जैसे वो ये संदेश जो है ये पूरे यरूशलम में, देखिए एक सबसे बड़ी बात क्या है, जब एक राजा के पास पहुंच जाना है, संदेश पहुंच जाना है, तो क्या होता है कि वो संदेश सब जगह पहुंच गया, यानी पूरे यरूशलम में फैल गया। और जब ये पूरा संदेश पहुंच गया तब क्या था, जब वो वहां से ये संदेश देकर निकले हैं और उन्होंने कहा कि हमें भी बताना कि तारा कहां दिखाई दिया और कहां जाकर ठहरता, वो बालक कहां है, ताकि मैं भी उसे जाके प्रणाम करूं। वो जैसे ही निकले ये संदेश देकर तारा उन्हें फिर दिखाई दिया, क्योंकि तारे का मकसद क्या था, तारे का मकसद जो था वो पूरा हो चुका था। परमेश्वर का वचन जो है वो बताता, तारा जो बाइबल में जब आप पढ़ेंगे, तारा किसको कहा गया, देखिए जब आप उत्पत्ति 37 अध्याय को पढ़ेंगे और उसका मेरे ख्याल से 9 या 10 पद होगा, उसको जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर यूसुफ जो है वो दर्शन देख रहा है, वो सपना देखता है कि 11 तारे और सूरज और चांद उसको दंडवत कर रहे हैं। यानी 11 तारे का मतलब उसके 11 भाई। तारा जो है वो मनुष्य को दर्शाया जाता है। और जब आप प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 20 पद पढ़ेंगे और विशेष तौर से 16 पद पढ़ेंगे कि उसके दाहिने हाथ में 7 तारे हैं, और इन 7 तारों का भेद जो है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 20 पद में दिया हुआ है कि ये कलीसिया के 7 दूत हैं, और परमेश्वर के दूतों को भी तारा दर्शाया गया है, परमेश्वर के लोगों को भी तारा दर्शाया गया है, और इसलिए ये तारे का भेद जो है बहुत गहरा है। क्योंकि जब आप यशाया 14 अध्याय उसका 12वां पद पढ़ेंगे, वहां लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे तू क्यों कर गिरा दिया गया। वो कौन था, वो प्रधान स्वर्गदूत था जो सारे स्वर्गदूतों पर प्रधान था, करूप स्वर्गदूत था, छा जाने वाला फरिश्ता था जो आज शैतान के नाम से जाना जाता है, ये भोर का तारा था। और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 16वां पद पढ़ेंगे तो वहां यीशु मसीह को जो है वो भोर का तारा जो है वो यीशु मसीह को ये पद दिया गया, ये चीज दी गई है कि भोर का तारा जो है वो यीशु मसीह को कहा गया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो तारा है वो दूत को दिखाया गया, यानी दूत जो है वो उनके आगे आगे चल रहा है, उसका तारा यानी उसका दूत जो है, और वो तारा यानी वो दूत जो है वो उन्हें रास्ता, उन्हें दिशा बता रहा है, और वो उजल हो जाता है। दूत क्यों उजल हो जाता है, वो इसलिए उजल हो जाता है कि ताकि परमेश्वर का संदेश पूरे यरूशलम में फैल जाए कि जो यहूदी लोग, इजरायली लोग जिस मसीहा का इंतजार कर रहे थे वो मसीहा पैदा हो चुका है। इसलिए वो तारे का पीछा पीछा करते हुए वहां तक पहुंचे हैं जो परमेश्वर का वचन जो है वो बताता है। और जिस दिन यीशु मसीह पैदा हुआ उस दिन से लेके 11वें दिन जो है वो तीनों ज्योतिषी जो थे वो वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी अपनी भेंटें जो हैं यीशु मसीह को चढ़ाई हैं, सोना मुर लोबान जो है वो ये दिया है, उस तारे ने उनको वहां तक पहुंचाया। परंतु परमेश्वर ने के दूत ने उन्हें दर्शन देकर ये कहा कि तुम हेरोदेश के पास लौट के मत जाना, तुम अब उस रास्ते से मत जाना बल्कि दूसरे रास्ते से तुम जाना। उनको दूसरा रास्ता बताया गया कि कहां से तुम जाओगे और अपने घर तक पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि हेरोदेश राजा का मकसद कुछ और था, और जब उसने देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ मजाक किया है तो उसने जो था
दो साल से नीचे के जितने भी बच्चे थे आसपास के उस इलाके के सबको मरवाना, क्योंकि वो चाहता था कि यीशु मसीह मर जाए। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर हम बात कर रहे हैं तारे की। तारा जो है हम लोग अपने घरों में लगाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज हम कहते हैं हाँ भाई, प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, इस घर में पैदा हुआ, तारा लगा हुआ है। छत के ऊपर कोई जाएगा, अरे ये तारा लगा है, इस घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है। चर्च में तारा देखेगा, अरे चर्च में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है। चरनी बनी हुई है बाहर कहीं, तो वहां तारा लगा है, यहाँ प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। प्रभु यीशु मसीह तो 2000 साल पहले पैदा हो चुका है। अब उस तारे का मकसद क्या है हमारे जीवन में, हम लोग समझते नहीं। तारा है क्या, यही नहीं समझते। बस बाजार से खरीदा, महंगे से महंगे तारा खरीदा, बड़े से बड़ा तारा खरीदा, छोटे बड़े तारे खरीद के और लगाना शुरू कर दिया। मगर आज आपको सही मकसद तारे का बताना चाहते हैं। आप निकाल लीजिए बाइबल से परमेश्वर का वचन क्या कहता है। दूसरा पत्रस पहला अध्याय और 19 पद, मैं फिर से रिपीट करूंगा। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 19 पद, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वे इस घटना से दृढ़ ठहरा, तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वे एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। देखिए क्या लिखा हुआ है। अब ये तारा जो है हम घरों में तो लगाते हैं, परंतु जो तारा जहां चमकना चाहिए वो तारा दिखाई नहीं देता है। भोर का तारा, मैंने पहले ही बताया कि भोर का तारा जो है पहले किसको कहा गया? यशाया 14:10 उसके 12 पद में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे तू क्यों कर गिरा दिया गया है। यानी भोर का तारा पहले कौन था? शैतान था। जब वो परमेश्वर के अच्छाइयों से परिपूर्ण था, जब परमेश्वर की आज्ञाओं से परिपूर्ण था, जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो अपना जीवन व्यतीत करता था और जैसा वो चाहता था, तो वो भोर का चमकता हुआ तारा था। परंतु जब उसके अंदर कुटिलता पाई गई तो वो भोर के तारे का जो उपाधि थी वो उससे छीन ली गई, और वो छीन कर किसको दे दी गई? यीशु मसीह को। प्रकाशित वाक्य 22:16 में मैंने बताया कि यीशु मसीह भोर का चमकता हुआ तारा है, और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसके 28 पद में थुआथीरा की कलीसिया को क्या कहता है कि जो जय पाए उसे मैं भोर का तारा दूंगा। अब भोर का तारा देने का मतलब कौन? यानी यीशु मसीह स्वयं को देगा, यहां पर लिखा है। और पत्रस यहां क्या कहता है कि उस समय तक, यानी अंधियारे स्थान में क्या चीजें? देखिए, भविष्यवक्ताओं का वचन जो इस घटना से दृढ़ ठहरा है, और तुम ये अच्छा करते हो ये समझकर कि उस पर ध्यान करते हो कि वे एक दिया है। कौन? परमेश्वर का वचन जो है वो एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे, यानी सुबह ना हो जाए, भोर ना हो जाए, और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमके। भोर का तारा कौन है? हम भोर का तारा कहते हैं यीशु मसीह को, और वो जब तक हमारे हृदय में ना चमक उठे। सही तारा जो यीशु मसीह हमारा तारा, वो हमारे हृदय में चमकना चाहिए, परंतु हमारे हृदय में तो प्रभु यीशु मसीह नदारद रहता है। क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, तारा लटका लेते हैं कि हाँ भाई ये तारा है, यीशु मसीह यहां पैदा हुआ है, परंतु लोगों को ये नहीं दिखाते यीशु मसीह घर में नहीं, किसी झांकी में नहीं, किसी चर्च में नहीं, बल्कि हमारे अंदर पैदा हुआ है। अगर यीशु मसीह हमारे अंदर पैदा होता तो आज लोग यीशु मसीह को हमारे अंदर देखने की लालसा करते, किसी के घरों में या किसी के चर्च में या किसी छत पर नहीं देखने की लालसा करते। यीशु मसीह को देखने की लालसा हमारे अंदर होनी चाहिए लोगों की, इसलिए भोर का तारा हमारे अंदर चमकना चाहिए, और वो भोर का तारा जो है वो यीशु मसीह है, और जब तक हमारे हृदय में चमक ना उठे है? और जब भोर का तारा जब चमक उठता है तो वो क्या होता है? एक संदेश लोगों तक पहुंचता है, जैसा कि ये सरदूत जो एक तारे के रूप में 3 ज्योतिषियों को दिखाई दिया, और उसने उन संदेश को जो है वो संदेश उसने पूरे यरूशलेम को सुनाया उस तारे के द्वारा, और उसका पीछा करते करते यीशु मसीह तक पहुंचे और वो उसका दर्शन पाया, और वो संदेश पूरी दुनिया में फैल गया।
परंतु आज हमारे हृदय में भोर का तारा अर्थात यीशु मसीह चमकता नहीं है, इसलिए वो संदेश जो होता है वो लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। हमारे जीवन के द्वारा पहुंचना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे अंदर है। जैसे फिलिपियों में लिखा ना 2:5 में कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। अब यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर होगा कैसे, क्योंकि वो भोर का तारा वहां चमक ही नहीं रहा हृदय में, हमारे हृदय में तो कोई और है। और यर्मिया बिल्कुल सही कहता है, यर्मिया 17 अध्याय उसका 9 पद पढ़ेंगे ना कि मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तुओं में गिना जाता है, उसमें असाध्य रोग लगा, ऐसा रोग जो कभी खत्म ही नहीं होता, उसको खत्म ही नहीं करना चाहते क्योंकि वो रोग है, उसमें रोग लगा। तो भोर का तारा ऐसी जगह में जहां रोगी रोग है कैसे चमकेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप अगर अपने घर में तारे लगाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लगाइए, अच्छी बात है। आप चर्च में लगा रहे हैं, लगाइए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आप झांकी बनाते हैं वहां लगाते हैं, कोई बात नहीं, लगाइए। परंतु इसके साथ साथ लोगों को यह भी दिखाइए कि वो भोर का तारा हमारे हृदय में चमक रहा है और यहां आकर ठहर गया है, और यहां पर यीशु का जन्म जो है हो चुका है, और यीशु के साथ हमारा भी नया जन्म हो चुका है, हम यीशु मसीह में नई सृष्टि हो गए हैं। आओ यीशु मसीह का दर्शन मेरे अंदर से करो, उसके स्वभाव को मेरे अंदर देखो। यह संदेश लोगों तक पहुंचे। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे, और वह आशीष कभी खत्म ना हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।